श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस वर्ष वट सावित्री व्रत का पूजन कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है, विधि विधान कथा इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। इस साल 6 जून को वट सावित्री का व्रत है। सुहाग की सलामती की और कामना के लिए सुहागिन 6 जून को वट सावित्री व्रत करेंगी। अमावस्या के दिन 6 जून यानी गुरुवार को शुभ मुहूर्त से पूजन का समय शुरू होगा। सबसे अधिक फल अभिजीत मुहूर्त में पूजन का है। गुरुवार की सुबह 11:36 से 12:14 बजे तक अभिजीत मुहूर्त पूजन विशेष फलदायक होगा। वट सावित्री वट व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत के दौरान विधि विधान से पूजन करने से पूजा का फल जरूर मिलता है। वट सावित्री का महत्व। अखंड सौभाग्य के लिए विवाहिता इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। वट वृक्ष की सनातन धर्म से काफ़ी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपने सातित्व की शक्ति से यम से छीनकर ले आती हैं। वृक्ष के चहू और कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री की पूजा की सामग्री। पूजा सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, दीपदान, घी, बांस की पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, बरगद का फल, जल भरने का कलश और थाल सजाने के लिए अन्य सामग्री शामिल करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें, साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ के नीचे जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल, मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चा धागा लपेटकर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुने। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दे। दान में वस्त्र, दक्षिणा में और चने दें। अगले दिन व्रत तोड़ने या छोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के मुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए। अचानक बेहोश होकर गिर गए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह बिना विकल हुए उन्होंने यमराज को सत्यवान के प्राण ना लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने, उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति के साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है।